नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त आईपीएल की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। आईपीएल को लेकर लगातार बातें चल रही हैं कि भाई साहब कौन सी टीम कौन से खिलाड़ी को बाहर निकालेगी, किस खिलाड़ी को अंदर लेगी। तो इस वक्त गुजरात को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात की टीम के वो 11 खिलाड़ी जो इस बार रिलीज होने वाले हैं, उन 11 खिलाड़ी वो कौन से हैं जिन पर गाज गिरने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, गुजरात की टीम को लेकर आई है बड़ी रिपोर्ट कि किन 11 खिलाड़ियों को गुजरात की टीम इस बार बाहर निकालने वाली है। इन खिलाड़ियों की जगह गुजरात की टीम नए खिलाड़ियों की भर्ती करने वाली है। तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो है मैथ्यू वेड का। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज है मैथ्यू वेड। जाहिर तौर पर गुजरात की टीम इस बार प्लान बना रही है कि मैथ्यू वेड को वैसे भी 2022 में मौका दिया गया, कुछ करके नहीं दिखाया। 2023 में तो मौका ही नहीं दिया गया। तो ऐसे में मैथ्यू वेड को बाहर निकालने का प्लान इस बार बनाया जा रहा है और मैथ्यू वेड को बाहर निकालने के बाद उनको जगह किसी दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज को तलाशा जाएगा। वैसे भी मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी है नहीं, तो मैथ्यू वेड को बाहर निकाला जाएगा। पहला नंबर है मैथ्यू वेड का। उसके बाद में दूसरा नंबर है रिद्धिमान साहा। खबर है कि रिद्धिमान साहा का भी करियर अब ज्यादा लंबा नहीं है, टीम से भी बाहर है और मतलब भविष्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता रिद्धिमान साहा को। तो ऐसे में भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भी गुजरात की टीम किसी दूसरे नाम को तलाश रही है और रिद्धिमान साहा को भी बाहर निकाल दिया जाएगा। ये दोनों नाम है। विकेटकीपर के तौर पर गुजरात ने बहुत वैकेंसी है और अच्छे विकेटकीपर्स के पीछे गुजरात की टीम जाएगी। ये गुजरात की टीम का सबसे पहला प्लान होगा ऑक्शन में जाने के बाद कि अच्छे विकेटकीपर्स के पीछे जाए। उनके पास बल्लेबाज भी हैं, ऑलराउंडर्स भी हैं, गेंदबाज भी हैं। विकेटकीपर के पीछे गुजरात की टीम सबसे पहले जाने वाली है, तो विकेटकीपर की बल्ले बल्ले हो जाएगी क्योंकि गुजरात की टीम उस पर जमकर पैसा खर्च करेगी। अब बात है तीसरे खिलाड़ी की, ओडेन स्मिथ। ओडेन स्मिथ का भी कोई ज्यादा रोल गुजरात की टीम में है नहीं, जब से गुजरात में आए हैं एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, बेंच पर बैठकर पैसे लिए हैं। तो ओडेन स्मिथ को भी गुजरात सोच रही है कि इस बार बाहर निकाल दिया जाए और किसी ऐसे ऑलराउंडर को शामिल किया जाए जो ऑलराउंडर बेहतर प्रदर्शन करके दिखा सकता हो, जिसको अगर मौका दे दिया जाए तो वो बेहतर परफॉर्म करे। और जो प्लान है वो ये है कि गुजरात की टीम दो विदेशी ऑलराउंडर्स को निकालेगी। एक तो ओडेन स्मिथ हो गए और उसके बाद में नंबर चार पर जो खिलाड़ी है उसका नाम है शनाका। शनाका को भी गुजरात की टीम बाहर निकालने वाली है। तो ये दोनों ऑलराउंडर्स को बाहर निकाल के प्लान ये है गुजरात की टीम का कि किसी अच्छे ऑलराउंडर को शामिल किया जा सके। खबर है कि गुजरात की टीम शार्दुल ठाकुर की निगाह में है, शार्दुल ठाकुर को शामिल कर सकती है। उसके बाद में गुजरात की टीम हार्दिक के भाई कुणाल पांड्या को कोशिश कर रही है, उनको भी शामिल करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में इन ऑलराउंडर्स के पीछे जाया जा सकता है और शनाका और आपके ओडेन स्मिथ को बाहर निकाल के शार्दुल ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद में पांचवा नंबर, पांचवे खिलाड़ी के तौर पर जोसफ अलजीरिया जोसफ को बाहर निकालने का प्लान गुजरात की टीम बना रही है। खबर आई है कि जोसफ की गेंदबाजी से गुजरात का महकमा खुश नहीं है। एवरेज गेंदबाजी जोसफ करते नजर आ रहे हैं, गुच्छों में विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में खबर है कि जोसफ की जगह किसी दूसरे गेंदबाज को शामिल किया करने के बारे में प्लान बना रही है गुजरात की टीम। अब वो गेंदबाज कौन हो गए देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए गुजरात के पास गेंदबाज अच्छे हैं जैसे मोहम्मद शमी है। उसके बाद में उनके पास बहुत अच्छा एक पूल गेंदबाजी का है। मोहित शर्मा आ गए हैं पिछले साल, तो मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी दोनों भारतीय गेंदबाज हैं, कमाल की गेंदबाजी दोनों ने करके दिखाई। जोसवा लिटिल अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में गुजरात की टीम जोसफ को बाहर निकाल के किसी दूसरे विदेशी अच्छे तेज गेंदबाज को शामिल करने का प्लान बना रही है। उसके बाद में छठा गेंदबाज केएस भारत, विकेट कीपर के तौर पर केएस भारत का भी कोई ज्यादा रोल रहा नहीं है। तो ऐसे में केएस भारत को भी बाहर निकाल के किसी दूसरे खिलाड़ी को शामिल करने का प्लान गुजरात बना रही है और इस बार गुजरात की टीम बहुत बड़े बड़े बदलाव करने के सोच रही है। तो इसमें से केएस भारत भी एक नाम है। आगे बहुत बड़े बड़े नाम आने बाकी हैं जो गुजरात की टीम के रिलीज होने वाले हैं, जिनमें एक बड़ा नाम है नंबर 7 पर केन विलियमसन। खबर है कि केन विलियमसन को भी बाहर निकाला जाएगा क्योंकि T20 के लिहाज के कोई खिलाड़ी है नहीं। और केन विलियमसन को लेकर जो खबर सामने है वो ये भी आई है कि केन विलियमसन कैप्टनसी करना चाहते हैं। उनको वो चाहते हैं कि वो कैप्टन बने किसी टीम के और रकम उनको बहुत कम दी जाती है जितना बड़ा उनका होता है। तो ऐसे में खबर यह है कि गुजरात का महकमा केन विलियमसन से कुछ खटपट खटपट चल रही है। ऐसे में केन विलियमसन को निकाला जा सकता है और केन विलियमसन को निकालकर गुजरात की टीम जो है वो किसी दूसरे विदेशी बल्लेबाज को शामिल कर सकती है। तो केन विलियमसन के तौर पर भी गुजरात की टीम में एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको भी निकालने वाली है गुजरात की टीम। नंबर 8 के तौर पर खबर है, देखिए बहुत बड़ा फैसला गुजरात की टीम ये लेने वाली है और इस फैसले के पीछे की जो वजह है वो भी मैं बताऊंगा। नंबर 8 के तौर पर खबर है कि विजय शंकर को बाहर निकालने वाली है गुजरात की टीम। अब विजय शंकर को आप लोग सोचेंगे कि क्यों, वैसे
को ज्यादा प्रदर्शन बेहतर विजय शंकर ने किया नहीं है, उतने बड़े मौके तो बहुत मिले हैं लेकिन उतना मौका भुनाया नहीं है विजय शंकर ने। लेकिन खबर यह कि विजय शंकर क्योंकि भारतीय ऑलराउंडर है, ऐसे में ऑलराउंडर के तौर पर शार्दुल ठाकुर एक बहुत हिट लिस्ट में है गुजरात के में। तो अगर शार्दुल ठाकुर मिल जाते हैं तो कई सारे ऑलराउंडर्स पर गाज गिरेगी, खासतौर पर विजय शंकर पर, क्योंकि भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर विजय शंकर का परफेक्ट रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर बेहतर है। तो इसीलिए विजय शंकर को भी बाहर निकालकर निकालने का प्लान बन रहा है गुजरात की टीम में। यह बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं 2024 के ऑक्शन से पहले। उसके बाद में राहुल तेवतिया ने तो खुद ही बोल दिया है कि वो नहीं खेलना चाहते हैं। ये तो राहुल तेवतिया ने खुद ही बोला है कि वो गुजरात की टीम में नहीं खेलना चाहते, वो चाहते हैं कि किसी दूसरी टीम में चले जाए, राजस्थान में चले जाए। राजस्थान में उनकी गेंदबाजी की बहुत कदर होती थी, राजस्थान वाले उनको बड़ा मतलब गेंदबाजी के तौर पर भी उनको उनकी ताकत को समझते थे, लेकिन गुजरात ने उनकी गेंदबाजी के तौर पर ताकत को नहीं समझा और उतने मौके नहीं दिए। तो ये राहुल तेवतिया की एक अपनी नाराजगी है गुजरात की टीम से और वो कह चुके हैं कि वो चाहते हैं कि गुजरात को छोड़कर दोबारा से राजस्थान में चले जाए। तो राहुल तेवतिया का नाम भी शामिल है, लेकिन भाई साहब राहुल तेवतिया वो खिलाड़ी है जिसने गुजरात को चैंपियन बनाया है 2022-2023 दोनों सीजन में। राहुल तेवतिया ने अपने दम पर बहुत सारे मैच जिताए हैं, एक बेहतर बड़े मैच फिनिशर बनकर सामने आए हैं। तो इसीलिए राहुल तेवतिया को बाहर निकालना बड़ा भारी पड़ सकता है गुजरात की टीम को। उसके बाद में जो नाम सामने आ रहा है वो है यश दयाल। यश दयाल बड़ी चर्चा का विषय था 2023 आईपीएल में जब रिंकू सिंह ने 5 छक्के लगातार मार दिए थे। हालांकि गेंदबाजी के तौर पर यश दयाल ने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन यश दयाल को खबर है कि गुजरात की टीम इस बार निकालने वाली है और यश दयाल को बाहर निकाल के गुजरात की टीम हो सकता है कि प्लेइंग 11 में शिवम मावी जैसे गेंदबाज को शामिल करे, क्योंकि शिवम मावी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, उनका इस्तेमाल अभी गुजरात ने सही से किया नहीं है और बैठे हैं बेंच पर और 6 करोड़ रुपए लेते हैं। ऐसे में खबर यह है कि यश दयाल को निकालकर, गेंदबाज तो शिवम मावी है ही है कमाल के, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो गुजरात की टीम को 2 फायदे हैं शिवम मावी को प्लेइंग 11 में खिलाने से। एक तो जो 6 करोड़ की रकम दी जाती है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, ऊपर से एक अच्छा गेंदबाज और बल्लेबाज मिल जाएगा, मतलब अच्छे ऑलराउंडर है शिवम मावी। तो ये गुजरात की टीम को फायदा हो सकता है शिवम मावी को प्लेइंग 11 में शामिल करने का। और खबर यही है कि यश दयाल को बाहर निकाल सकती है गुजरात की टीम। तो ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ा और कह सकता हूं कि गुजरात का एक सबसे बड़ा और बोल्ड डिसीजन ये होगा यश दयाल को बाहर निकालना, क्योंकि गेंदबाज तो खैर यश दयाल अच्छे ही हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रिंकू सिंह के जब 5 छक्के लग गए थे उसके बाद जरूर थोड़ा सा उनकी उनको लेकर चर्चाएं हुई, लेकिन गेंदबाजी के तौर पर यश दयाल कमाल के गेंदबाज है। उसके बाद में प्रदीप सांगवान 11वें खिलाड़ी के तौर पर खबर है कि प्रदीप सांगवान को गुजरात की टीम बाहर निकालने का प्लान बना रही है, क्योंकि प्रदीप सांगवान अब नौजवान खिलाड़ी तो है नहीं, अब मतलब ओवर एज लगभग हो चुके हैं, उतना करियर भी उनका बचा नहीं है। तो खबर यह है कि प्रदीप सांगवान भी एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल थे, तो प्रदीप सांगवान को बाहर निकाल के खबर यह है कि गुजरात की टीम किसी और अच्छे नौजवान खिलाड़ी के ऊपर पैसा बरसा सकती है, नौजवान खिलाड़ी के पीछे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑलराउंडर्स भारतीय क्रिकेट में आ रहे हैं जो नौजवान हैं, तो ऐसे में गुजरात की टीम उन खिलाड़ियों के पीछे जा सकती है। तो ये 11 खिलाड़ियों की लिस्ट थी जिन 11 खिलाड़ियों पर गुजरात की टीम इस बार गाज बरसाने वाली है, बाहर निकालने वाली है। लेकिन सबसे बड़े जो नाम है इन 11 में वो रिद्धिमान शाह, ओडेन स्मिथ, अलजजीरा जोसफ, बहुत चर्चा उनकी होती है, केन विलियमसन की बहुत चर्चा हुई है, उसके बाद में विजय शंकर की बड़ी चर्चा होगी जब वो उनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि एक अहम खिलाड़ी गुजरात के रहे हैं। उसके बाद में राहुल तेवतिया की बहुत चर्चा होगी जब वो बाहर जाएंगे, ये बहुत चर्चा का विषय होगा राहुल तेवतिया अगर बाहर जाएंगे तो। यश दयाल की बहुत चर्चा होगी जब ये बाहर जाएंगे। तो आपका गुजरात की टीम के इन 11 खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है और कौन से खिलाड़ी को निकालना आपके हिसाब से गुजरात को भारी पड़ सकता है कि उस खिलाड़ी को नहीं निकालना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और आपकी रिलीज लिस्ट क्या है, आपके हिसाब से गुजरात की टीम को कौन से रिलीज खिलाड़ियों को कर देना चाहिए भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे आईपीएल के। थैंक यू वेरी मच।